यार वैसे यहाँ पे आके ना मैंने एक चीज देखी, ये ना चिप्स का पैकेट अब लोग नीचे से लेके आते हैं, काफी ना दुबला पतला था ये, एंड अब देखो कितना मोटा हट्टा कट्टा हो चुका है भाई, जैसे प्रेग्नेंट हो गया हो ये। पहाड़ में आके चिप्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं मेरे हिसाब से। खैर अभी जो डाउट, बिना मम्मी के अपन लोगों को खाने पीने की तो पूरी लिबर्टी आ जाती है, बट वो जब वो सुबह उठने की स्ट्रिक्टनेस है ना, वो पापा की बढ़ जाती है, क्योंकि सारा कंट्रोल उनके पास था। खाने पीने को भाई कोई दिक्कत ही नहीं थी कल रात को भी, पूरी रात को भी, बट ये उठने की दिक्कत थी कि नहीं, अपने को सोने थोड़ी देर और मिल जाता है ना, मजा आ जाता। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 6:26 इन द मॉर्निंग एंड अपन लोग उठ चुके हैं। थोड़ी देर तक मेरे हिसाब से 10-11 बजे तक मैंने और पापा ने कसौली वाली साइड जाने किसी काम से, तो भाई अपन लोग वहाँ भी जाएंगे, उससे पहले कालका भी जाना है माथा टेकने के लिए, मतलब कालका माथा टेक के वहीं से वहीं कसौली निकल जाएंगे अपन लोग। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपके एक बार फिर से मीटून में। होप यू आर डूइंग कल्चर बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। एंड मम्मी के ना होने करके हाँ नींद थोड़ी भी आ रही है यार। अभी जो है मैं भाई मतलब क्या ही बताऊं तुम लोगों को, मेरे पापा के कमरे में सो गया था, मैं भूल गया था, मैंने बोलना क्या था, तभी बोल रहा था क्या बताऊं तुम लोगों को, पापा के रूम में सो गया था। एंड मैंने और पापा ने रात को वेब सीरीज भी देखी, सास बहू फिल्मिंग को लगा था टिपिकल सास बहू वाला सीरियल होगा, बट ना भाई, मस्त थी वेब सीरीज, क्योंकि दीदी ने रिकमेंड करी थी, इट वॉज अबाउट ड्रग्स एंड ऑल दैट स्टफ। सो उसके सिर्फ 2 एपिसोड रह गए, वो देखते हैं। आज शाम में हमारी मम्मी जी भी आ जाएंगी, फिर शायद से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे, बट भाई तब तक मेरे को नहीं आएगी। अभी वो चल के फ्रेशन अप होते हैं, नहा धो निपटाते हैं, फिर देखते हैं कसौली निकला जाता है तो निकल लेंगे। यार मौसम भी मस्त है, कसौली निकलने का मजा भी आएगा। दो चीजों का ना वैसे लाइफ में पता ही नहीं लगता कि भाई कैसे खत्म हो जाए, एक पप्पा की दी हुई पॉकेट मनी एंड दूसरा भाई टाइम, मतलब ऐसे टक 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 करके खत्म होता है ना, पता ही नहीं लगता। खैर अभी जो एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग तैयार तो हो लिए, जिसमें हमारा मोटापा भी दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, एंड अभी देर इज अ स्लाइट चेंज इन प्लान। कल मैं और पप्पा नहीं जा रहे, अपन लोग पूरा परिवार जा रहे हैं, यानी कि मैं, पप्पा, परी और दीदी। तो अपन लोग सबसे पहले जाएंगे कालका, उसके बाद भाई अब घर पे कोई और तो है नहीं, तो अपन लोग सोच रहे बढ़िया सी ड्राइव पे चलते हैं, कहीं बढ़िया पहाड़ों वाली जगह पे जाएंगे। सैंडविचेस चिप्स अपन लोगों ने पैक कर लिए, बाकी रास्ते में देख लेंगे पकौड़े वगैरह जो कुछ भी मिलता है वो सब कुछ उठा लेंगे, या जो कुछ भी खाने का मन करा। तो हम लोग फटाफट पर्दे लगाते हैं, गाड़ी में सामान रखते हैं, हेल्प करवाते हैं, एंड तुम लोगों को एक और बड़ी मस्त चीज दिखाता हूं, मतलब वो देख के ना मेरे को तो काफी ज्यादा खुशी हुई, दिल से खुशी हुई। वो चीज है ये भाई, वेरका का दूध जो है ये प्लास्टिक की बोतल में आने लग गया, जो इतना इतना ज्यादा बढ़िया लगता है ना मेरे को। रेट बिल्कुल सेम वो कांच वाली बोतल वाला ही है, बट सबसे बड़ा फर्क ये, अब मैं सफर पे जा रहा हूँ, इसको साथ में रख के पी सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड अभी पप्पा गाड़ी में सामान रखवा रहे हैं, परी भी अपना होमवर्क कर रही है, उसका होमवर्क कंप्लीट हो। ये बोतल रखनी है ना? नहीं तो मैं साथ में पीऊंगा अभी, तो अभी ये चिप्स के पैकेट है ये भी उठाने। आजा परी, चल निकलते हैं, चल। अब भाई बस एक ही सवाल बचता है, अपन लोगों को निकलने में टाइम कितना है। अपन लोग तो अपना वेरका का दूध सा लेके गाड़ी में आ चुके हैं, एंड अच्छा ये प्रॉपर सील्ड है ये देखो, अब इसको खोलूं कैसे मैं, ये इसकी यहाँ पे ये सील यहाँ से खुलेगी, खुल जा भाई, खुल ही नहीं थी, हाँ ये देखो खुल चुकी है, अब इसको पूरी खोलते हैं। ओ भाई सेम भाई वेरका के दूध वाला टेस्ट है जेड़ा होना चाहिए, एंड भाई अपन लोग इसको शेक करना भूल के। तो चलो अभी तो बस घर वालों की वेट करते हैं, जैसे ही वो आते हैं हम लोग फटाफट निकलते हैं, चलते हैं अपने एक बढ़िया से सफर की शुरुआत करते हैं। फाइनली अभी जो है अपन लोगों ने मंदिर तो माथा एकदम बढ़िया तरीके से टेक लिया,
एंड उसके बाद घूमते घुमाते घूमते घुमाते भी अपन लोग उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं कसौली के, जहाँ पर लोगों को अपना आज का सेकंड काम है। तो भाई अब फटाफट यहाँ का काम निपटाते हैं, चिप्स के पैकेट अपन लोगों ने खोल लिए हैं, दो तीन खा लिए हैं, यहाँ का काम निपटाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं भाई इसके बाद हमारा कहाँ को ट्रिप निकलता है कहाँ को नहीं, बट पहले वर्क इंपॉर्टेंट है, फटाफट काम निपटाते हैं फिर अपना ट्रिप कंटिन्यू करते हैं। यार वैसे यहाँ पे आके ना मैंने एक चीज देखी, ये ना चिप्स का पैकेट अब लोग नीचे से लेके आए थे, काफी ना दुबला पतला था ये, एंड अब देखो कितना मोटा हट्टा कट्टा हो चुका है भाई, जैसे प्रेग्नेंट हो गया हो, ये पहाड़ में आके चिप्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं मेरे हिसाब से। खैर अभी जो है अपन लोगों का यहाँ का काम तो एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है, एंड अब गाड़ी मैं नहीं चला रहा, पप्पा चला रहे हैं, क्योंकि भाई अब मैं और परी पीछे बैठ के आराम से खाएंगे पियेंगे, वो दोनों सीरियस बंदे आगे बैठे, हम दोनों बकचोद बंदे पीछे बैठे, एंड उसके बाद देखते हैं अपन लोगों का नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, क्योंकि भाई अब पप्पा कह रहे हैं कि वो कोई सरप्राइजिंग जगह लेके जाएंगे, तो हो सकता है कहीं सरप्राइजिंग जगह ले जाए भाई। एक तो साला भाई पता नहीं लगता हमारे पिताजी कहाँ कहाँ से हिमाचल के केड़े केड़े कोने में घूम रखे हैं, एक बार पीछे का व्यू चेकआउट करो तुम लोग। इनिशियली तो सोचा था भी मतलब अपन ऐसे ही ठीक सा अच्छा ट्रिप होगा, बट ये ट्रिप कजन्स का इतना ज़्यादा बढ़िया बन रहा ना, एंड अभी पापा मेरे को दोबारा से ऑफर कर रहे हैं गाड़ी चलाने का, बट भाई मेरा 1% मन नहीं है, क्योंकि मैं थकावट भी नहीं होगी, मेरे को बैठने का इंजॉयमेंट हो रहा है, असली गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा। नो डाउट ऐसी इससे भी ज़्यादा खतरनाक सड़कों पर गाड़ी चला रखी है तुम्हारे भाई ने, बट भाई आज पता नहीं क्यों मन करे कि आज रिलैक्स करो आराम से पीछे, कुछ परी की कंपनी है ना, तो परी और मेरी कंपनी वैसे भी तछूट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो फिर देखते हैं भाई अपन लोग अब आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पे, फोटो फोन ना घेर दियो तू, फोटो खींचते खींचते आराम से अपन लोग अपना फोटो सेशन करते हैं, फिर थोड़ी देर तक निकलते हैं। यार मेरा ना ट्राईपॉड ना गाड़ी में रह गया वहाँ पे, वो देखो गाड़ी का पहिया दिख रहा है, एंड अपन लोग इतना सा चल के यहाँ टिम्बर ट्रेल के पास वाले मंदिर माथा टेकने आए हैं, एंड अभी यहाँ से टिम्बर ट्रेल भी जा रही थी भाई, कसम से मैं तो ये भूल ही गया था भी, अपन पप्पा पहाड़ों के एक्सपर्ट है भाई, चंडीगढ़ में रहने का फायदा भी ऐसी जो जगहें हैं ना हमारे घर से सिर्फ और सिर्फ कुछ कदमों की दूरी पे ही, कहूँगा मैं तो कदमों तो नहीं बट कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही है, बट भाई जो मर्जी को टुडे वॉज अ वंडरफुल डे, जितना ज़्यादा वंडरफुल हो सकता है ना, बस मैं ट्राइपॉड दो मिनट रुक जाओ भूल गया, उस करके थोड़ा हवा देखो क्या बस चल रही है भाई, जुम्मेश्वर हो रखा है सिस्टम। अब भाई यहाँ से आगे का मेरे को बिल्कुल भी नहीं आइडिया, बट अब मैं ब्लॉग करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं क्या हुआ ट्रॉली आ रही है, हाँ ये देखो ट्रॉली आती हुई भी दिखेगी तुम लोगों को, ये बैक कैमरे से ब्लॉग करने का ये तो फ़ायदा होता है अभी थोड़ा सा। अरे कहाँ गई ट्रॉली, वो देखो वो आ रही ट्रॉली, बट चलो कोई नहीं, तो भाई मैं लाखों बारी ब्लॉग में दिखा चुका हूँ जब जब यहाँ पे आया हूँ, तो भाई ठीक है थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं आराम से अपने सैंडविचेस नीचे वगैरह चल के खाते हैं, एंड फिर उसके बाद देखते हैं और आज के व्लॉग में क्या क्या होता है, क्योंकि तो भाई अभी तक तो मैं घंटा कुछ व्लॉग नहीं बना पाया, जो एक्सपीरियंस है ना उस हिसाब से मिनिमल सा व्लॉग था भाई, वैसे भी ये भी ना हर बार ही आके ना बता बता के बोर्ड नहीं करूँगा, बट यूनिक ही चीज़ है, ऊपर टिम्बर ट्रेल हाइट्स, नीचे टिम्बर ट्रेल एंड ऊपर ये बीच में ये हम एंड देखो मतलब कितने सारे हैं यहाँ पे, ओ पूरी पूरी लगा टेर है, बस साले मेरा फोन ना खींच के ले जाए, नहीं है तो डर रहे हैं हमसे, कोई ना चलो कैसे पेड़ पे बैठ रख के क्रिसमस ट्री की तरह, चलो बाय बाय। जहाँ से आज के सफर की शुरुआत हुई थी भाई अपन लोग वहीं दोबारा से आ गए, मतलब कालका सिटी, अभी अपन लोग पता नहीं यहाँ पे पकौड़े वाले के पास हैं, पप्पा को कुछ काम था यहाँ पे तो वो तो मार्केट घूम रहे हैं, अपन लोगों में हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, तो भाई अपन लोग चुपचाप गाड़ी में आके बैठ गए, गाड़ी अपन लोगों ने यहाँ पे सीधी तो नहीं लगी, खैर बट चलो कोई ना सीधी लगा देते हैं, सीधी लगाने में कितना टाइम लगेगा, सीधी ओ यार पीछे से बस भी आ रही है, तुम लोगों को दिखेगी अभी बस आती हुई है, देखो निकल गई बस, हाँ बड़े प्यार से निकलेगी, निकाल लें भाई निकाल लें निकाल लें, अपन न्यूज ड्राइवर हैं बस, ठीक है अपन लोग गाड़ी थोड़े बढ़िया तरीके से लगा देते हैं ताकि दिक्कत ना आए, दिक्कत। चलो जी एकदम बढ़िया तरीके से भाई अपन लोगों की गाड़ी तो लग चुकी है, फटाफट चिप्स के पैकेट खोलने हैं, नाम से चिप्स देते हैं क्योंकि भूख लग रही है अब तो।